जगह बहुत खूबसूरत है मम्मी। मैं आपको मदद करती हूँ। गॉड मदर, ये जगह बहुत खूबसूरत है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, हम धरती को तीसरी बार बचाने वाले हैं। शैनचान सोया नहीं? सुपरमैन आ गया है। तुम नकली थॉर अभी के अभी सरेंडर कर दो। तुमने तो काफी बढ़िया प्रिपरेशन की है। मॉस्किटो की क्रीम भी भेज दी। कौन सी मॉस्किटो की क्रीम? बच्चों की मॉस्किटो क्रीम जो एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में है, तुमने ही भेजा है ना? हाँ, मैंने तो भेजा है सब कुछ, नहीं तो कौन भेजेगा। मैं अभी बिजी हूँ, तुम लोग मजे करो, मुझे जाना होगा, बाय। और कामू, मम्मी क्या हुआ है? मम्मी को लगता है कुछ गड़बड़ है। मम्मी इस पे बैठ जाओ। मैं बैठ जाऊँ? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, बैठो ना। नॉट बैड, ठीक है, कंफर्टेबल है। क्या हुआ? मैं डर गई हूं ना, क्या मैं तुम्हें ऐसे नहीं पकड़ सकती? इतने भी पागल मत बनो। भूत वो जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। इस यूनिवर्स में जो एनर्जी है, लोग उसी को भूत मान लेते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में जो भूत है वो बहुत बकवास है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। इसमें लॉजिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। देखो डिस्क्रिप्शन से पता चलता है ये कोई नॉर्दर्न टाउन है, लेकिन वो पौधे देखो, वो साउथ में उगते हैं। बात तो सही है। शिनची अंदर आओ। मैंने ही कहा है? मम्मी नहाने गई है, क्या तुम उससे माफी मांगने आए हो? माफी? माफी किस बात की? क्या कहा उसने तुमसे? उसने मुझे कुछ नहीं बताया, पर मुझे ये पता है कि वो तुमसे गुस्सा है। तुम्हें उसे मनाना ही होगा, तुम्हें मम्मी के पास जाके उसे समझाना होगा। तुम्हें मिनहुई के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? हाँ बिल्कुल, मैं उसे जानता हूँ। क्या देख रहे हो तुम? ये बड़े हमेशा अपने प्रॉमिस भूल जाते हैं। तुम जब वापस आओगे तो हम लोग कैंपिंग पे जाएंगे, ऐसा मिनहुई ने कहा था, पर हम गए ही नहीं। उसने मुझे नहीं पता इसके बारे में। ओह मिन शानचान, मैंने तुम्हें कहा था ना, रात को कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना। ये तो शिनची है, कोई और तो नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे बात करनी थी। शानचान तुम अंदर जाओ। हाँ बोलो, क्या बोलना है? सिंडी ने तुम्हारे बीच की बात कही मुझसे, उसने गलत ईडियम का इस्तेमाल किया, इसलिए शायद तुम गुस्सा हो गई। ईडियम्स गलत इस्तेमाल हुए हो, लेकिन इंटेंशन तो वही था। वो यहाँ पर शानशान की कस्टडी लेने के लिए आई है ना? पहले इसे देख लो। तुम शानशान को नहीं चाहते? और वो क्यों? वैसे भी तुम शानचान को मुझसे दूर ले जाने के लिए ये सब कर रहे थे ना? मैं अभी भी वही चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद शानचान को तुम्हारे दिल से निकालना मेरे लिए नामुमकिन है। और मैं नहीं चाहता कि इतने कम उम्र में वो अपने माता पिता के बीच में एक को चुने, बड़ी क्रूरता होगी उस पर। और मैं ये भी जानता हूँ तुम भी उसके बिना जी नहीं पाओगी। यही करना चाहते हो? नहीं करूंगा तो पछताऊंगा, और कानून भी नहीं छोड़ेगा। हफ्ते में सिर्फ एक बार शानशान से मिलोगे? अब उतना तो बनता है मेरे लिए। ठीक है।
ठीक है। अच्छा रुक जा, अब क्या हुआ? डिसीजन चेंज कर रहे हो क्या? ये उसके बारे में नहीं है, मुझे बस, क्या मैं कल शानचान को बाहर ले जा सकता हूँ? हाँ चाहो तो तुम भी ज्वाइन कर सकती हो। हाँ सॉरी, तुमने तुम्हारा वीकली विजिट कोटा ऑलरेडी भर दिया है, हफ्ते में सिर्फ एक ही बार मिल सकते हो, वैसे भी हमारे और प्लान्स हैं। हाँ अब जबकि हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया है, हम इसे आज से ही फॉलो करेंगे, ठीक है ना? तुम जा सकते हो। शिनशी जल्दी मिलेंगे, मुझे खेलने के लिए लेके जाना, याद रखना। फिर जाकर जल्दी सो जाओ, ठीक है? हाँ बाय बाय। बाय बाय। तुम हमारी चुपके से बातें सुन रहे थे? अभी तक घर नहीं गए? कल हमारी मीटिंग है, तो जल्दी से घर जाओ। अब उस वीवो पोस्ट का मतलब क्या है? कौन सी वीवो पोस्ट? तुम पागल हो या मुझे पागल समझती हो? तुम्हें लगता है उस वीवो अकाउंट का आईपी एड्रेस मैं ढूंढ के निकालूं? आई लव यू सो मच, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। जब तुम मुझे किस कर रहे थे तब तुमने मिनहुई का नाम लिया। मैंने मिनहुई का नाम लिया था? और ये मैंने कब किया था? तुमने लिया? तुम हमेशा उसकी तारीफ करते रहते हो, तुम्हें पता भी है मुझे कितनी तकलीफ होती है। अब तुम्हें मेरी परवाह है ही नहीं, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, और तुम्हारे इसी बर्ताव की वजह से तुम आज तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो तुम ऐसे ही करोगी? मुझे कोई परवाह नहीं है, शुरू से मेरे साथ बुरा ही हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए अपनी दोस्त को धोखा दिया, बहुत बुरी चीजें की, मैंने गलत रास्ता चुन के तुम्हारा साथ दिया है। पर झेंग फैमिली अपनी इमेज की परवाह करती है, अब मुझे पता है वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे जब सबको हमारे अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। तुम बच्चों जैसा बर्ताव कर रही हो, और जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम बच्चों जैसा बर्ताव करती हो, और तुम एक साथ नीचे गिरने की बात करती हो। फिर से ऐसा बिल्कुल मत कहना। मैं समझ सकता हूँ मैं अच्छे मूड में नहीं था, मैंने तुम्हें काफी भला बुरा कह दिया। इसका मतलब मैं तुम्हारी केयर करता हूँ और तुम पे भरोसा भी, जिसका मुझे दिखावा नहीं करना है। तुम मेरे दिल में सबसे अलग हो। फिर भी मिनहुई के साथ मुझे कंपेयर करते हो? तुम अकेली ही हो जिसे मैं पसंद करता हूं। छोड़ो भी, तुमने देखा है मुझे किसी के साथ ऐसे करते हुए? क्या मैं शांघाई में होने वाले समिट के लिए आ सकती हूँ? सभी इंडस्ट्री के टॉप लोग वहां पे होंगे, मुझे भी उनसे मिलना है। ठीक है, हम उसे छुट्टी की तरह मनाएंगे। शानचान, यहाँ पर जू भी काफी अच्छा है, वहाँ पर बहुत सारे प्यारे एनिमल्स होते हैं। मैं कैंपिंग के लिए रेडी होकर नहीं आई हूँ, हम अगली बार जाएंगे। पर तुमने तो प्रॉमिस किया था। हाँ कामू बोलो। तुम लोग मजे तो कर रहे हो ना? हाँ ये लो, ये बात कर रहा है। गॉड मदर, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मिनहुई ने तो अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, वो मुझे कैंपिंग लेके नहीं जा रही है। जानती हूँ तुम्हारी गॉड मदर है, कंप्लेन मत करो। तुम सही समय पर सही इंसान के पास आए हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है? वो क्या है? जरा सामने देखो। क्या आप मिस मिनहुई है? हाँ मैं ही हूँ। मिस चाओ ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। तुमने रेंट की कार?
हाँ, मैंने ही तुम्हारे लिए कार रेंट की है और उसमें कैंपिंग का सामान भी है और कैंप साइट भी देख ली है। मैं कितनी समझदार हूँ ना। तुम बहुत अच्छी हो कामू, तुम कैसे जानती हो उसे कैंपिंग के लिए जाना था? क्या कहा तुमने? थोड़ा जोर से बोलना, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ पर सिग्नल तो सही है। मैंने उसे बताया था कैंपिंग का। तुमने उसे बताया? हाँ हाँ, चौन ने बताया मुझे। इसने तुम्हें ये सब कब बताया? मम्मी मुझे कैंपिंग लेके चलो ना मम्मी। हाँ ठीक है, आज का दिन पूरा फ्री है इसलिए जाकर बहुत मजे करेंगे। ये ठीक है, फिर तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी फोन रखती हूँ। बाल बाल बच गई, भगवान करे और सब कुछ अच्छे से हो जाए वरना मीहू ही मुझे ही बोलेगी। बात सुनो, कैंपिंग में बहुत मजा आता है, मैं सिखाऊंगा टेंट कैसे बांधते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ मम्मी, वहाँ पे देखो कितनी सारी सैंड है। सैंड? बहुत सारी सैंड। वहाँ पे समंदर है और बहुत सारे हॉर्सेस भी। जगह बहुत खूबसूरत है मम्मी। ओह वाओ, काफी खूबसूरत जगह है। तुम्हारी गॉड मदर इस बारे में काफी माहिर है। तुम्हें पसंद आई? बहुत ज्यादा। अच्छा मैं उसे कॉल करती हूँ, तुम उसे थैंक यू कहना, ठीक है? ठीक है। ये लो बात करो, मैं आपको मदद करती हूँ। गॉड मदर, ये जगह बहुत खूबसूरत है। सच में तुम्हें पसंद आई? हाँ मुझे पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है कामू, तुमने तो काफी बढ़िया प्रिपरेशन की है। मॉस्किटो की क्रीम भी भेज दी। कौन सी मॉस्किटो की क्रीम? बच्चों की मॉस्किटो क्रीम जो एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में है, तुमने ही भेजा है ना? हाँ मैंने तो भेजा है सब कुछ, नहीं तो कौन भेजेगा? मैं अभी बिजी हूँ, तुम लोग मजे करो, मुझे जाना होगा, बाय। अरे कामू, मम्मी क्या हुआ है? मम्मी को लगता है कुछ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, चलो जाकर हम एक टेंट बनाते हैं। चलो चलो। ठीक है। आईया। मिस्टर जीन, देखिए शंघाई में ऐसे कई तरह की सैकड़ों कैंपिंग साइट्स होंगे, हमें इस जगह के कई सारे फायदे हैं। देखिए यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस और सीनरी देखिए, और इसका कंपैरिजन बाकी जगहों से नहीं हो सकता। मिनहुए तुम्हें टेंट बांधना आता भी है क्या? शैनचैन तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें ये आता है और तुम ही मुझे सिखाओगे। हाँ मैंने आपकी प्रपोजल देख ली है, प्रॉब्लम कुछ बड़ी नहीं है। हाँ। मुझे लगता है हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखती हूँ उसे कैसे करते हैं। शैनचैन, पापा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं इस जगह के ओनर मिस्टर वैंग के साथ बात करने आया था, पता नहीं था तुम यहाँ मिलोगे। क्या इत्तफाक है? हाँ क्या ही इत्तफाक है। मिस्टर शीन, आप अपने बेटे को और पत्नी को कैसे टेंट बनाने दे सकते हो? आप आराम कीजिए, मैं किसी को भेजता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। शैनचैन तुम यहाँ आ जाओ, आप अपना डिस्कशन करिए प्लीज, हम अपना कर लेंगे। तुम यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं हम तो कोई बिजी नहीं है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मिस्टर वैंग हमारी सारी डिस्कशन शायद हो चुकी है, राइट? हाँ हाँ जी जी जी, हमने अभी खत्म किया। हाँ हाँ हम बाद में टच में रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। कुछ चाहिए तो बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ चलता हूँ। हाँ ठीक है बाय। मामी मैं डैडी के साथ टेंट बांधना चाहता हूँ। शैनचैन तुमने कहा कि तुम उसे खुद करोगे? पर बाकी बच्चे तो अपने मम्मी पापा के साथ बांधते हैं। चलो ठीक है तुम दोनों कर लो, मैं हमारे लिए कॉफी बनाती हूँ। ये पापा चलो बांधते हैं। अरे हमारी क्या हुआ शैनचैन, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तुम दोनों कर लो ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी आती हूँ। हाँ हाँ आ रही हूँ। चलो बताओ अभी मुझे क्या इतनी हाइट काफी है? हाँ ठीक है। अरे अरे रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं मदद करता हूँ। तुम दोनों ही कर लो।
इस साइड पे थोड़ा लेके आओ। हाँ ये ऐसे करते हैं। जाओ। मैं बैठ जाओ। हाँ अच्छा चलो ठीक है बैठो ना। नॉट बैड, ठीक है, कंफर्टेबल है। तुम, मैं अपने आप से उठ सकती हूँ, हेल्प की जरूरत नहीं है। तो स्टेबल है। What's so funny? कुछ नहीं। हाँ था। Funny नहीं था। हाँ था। मेरी नहीं हिल रही, मेरी नहीं हिल रही। मुझे करने दो शांचा। हाँ। मामी यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, यहाँ आओ ना मेरे साथ। ये खाना छोड़ो और टेंट पे मेरे साथ खेलने चलो। हाँ पहले मुझे शूज निकाल के अंदर जाने दो। मैंने शूज निकाल दिए। अमूस बन गया है। मम्मी पापा अंदर आ जाओ। मम्मी जल्दी आ जाओ और यहाँ पे बैठो ना। वैसे मजेदार तो है। अरे शांचन, अरे शांचन, शांचन रुको। शांचन कूदना बंद कर। अरे रुक जाओ यार। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? क्यों ना मैं जाकर कुछ खाना बना लूं? हाँ क्यों नहीं, तुम खाना बना लो। हाँ मैं जाकर खाना बनाने वाला हूँ। हाँ तुम दोनों मिलके बनाओ, मैं यहीं पे खेल रहा हूँ। मेरे बिना मत खा लेना। मिंशांचन, तुम मुझे छोड़ के खा रहे हो। तुम काफी शरारती बन गए हो। हाँ नहीं मैं तो अच्छा हूँ, पापा नॉटी है। नहीं तुम नॉटी बन गए हो, ऐसे कूद क्यों रहे थे? शुक्रिया मुझे रहने देने के लिए। शांचन की वजह से तुम यहाँ हो। मैं उसे नाराज नहीं कर सकती। वैसे भी तुम बिजनेस मीटिंग की बात करके हमारे बीच में आए हो, और अगर मैं तुम्हें ना कहती तो उसे बहुत बुरा लगता। शिंची अगर तुम एंटरप्रेनर नहीं होते तो स्क्रीन राइटर जरूर हो जाते। मैं सच में बिजनेस मीटिंग के लिए ही आया था। चाहो तो मेरा फोन चेक कर लो, मिस्टर वैंग से मेरे पहले से इस कैंपसाइट को लेकर इन्वेस्टमेंट में बात हो रही है। कोई बात नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ सब कुछ पहले से ही डिस्कस करके यहाँ पर आना और फिर ये फेक हिस्ट्री दिखाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ मिस काउ से बात करने के बाद ही मैं यहाँ आया, लेकिन इस सब में मेरी कोई बुरी मंशा नहीं थी या तुम्हें फंसाना नहीं था। हाँ पता है, एक्सप्लेन मत करो। मैंने तुम्हें शांचन को ट्रीट करते हुए देखा है, इसलिए मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कह पाई। सही कहा ना? ए, और हाँ, तुम शांचन से कितना भी प्यार कर लो लेकिन मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। अरे मुझ पर नहीं तो कानून पर तो विश्वास कर लो। पॉइंट तो है, कानून की बात हो रही है तो तुम हफ्ते में उसे एक बार ही मिल सकते हो, लेकिन तुम दो बार मिल चुके हो। नेक्स्ट वीक में तुम उससे नहीं मिल सकते। अरे ये दिन काउंट नहीं होता, वो ये तो एकदम अचानक से हो गया था। क्या आप तुम लॉ फॉलो नहीं करोगे तो फिर हम मिलना ही कैंसिल कर देते हैं। मिस मिन हुई, कानून के नियमों का पालन न करना अच्छे सिटीजन की निशानी नहीं है। थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज ये सर्जरी हो पाई वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती।
शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। हम बहुत अच्छे कोवर्कर्स है, मुझे और एक सर्जरी है तो मैं सोने जा रहा हूं। चाहे वो एक दूसरे से कितना भी दूर जाना चाहे, वो हमेशा चैनचैन की वजह से जुड़े रहेंगे। वैसे भी मैं हूं कौन, मुझे उनके बीच नहीं जाना चाहिए। हे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें डराने आई थी, आखिरी बार भी तो बताया था। मिस याओ जिजू, मैं फिलहाल कुछ भी करने के मूड में नहीं हूँ। मुझे पता है तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि उसे अच्छा कैसे करना है। जब तक तुम कोई ऐसी जगह पे नहीं जाते, चलो। मैं लेती हूँ। भूख लगी है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? भूख तो नहीं लगी है, पर क्या खा। एक मिनट। हाँ हाँ कामू, तुम आ गई? अरे हाँ हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। मिस काओ को क्या प्रॉब्लम है? वो अभी होटल में आई है, शायद उसका मूड खराब है। मैं जाकर उससे मिलती हूँ। क्यों ना मैं इसे अपने रूम में ले जाऊँगा, बाद में तुम आकर ले जाना। हाँ ठीक है। जाओ। उसे ये पहना देना। अच्छे से सोना मेरे बच्चे। ओ हेलो मिस काओ, आपने आते ही पीना शुरू कर दिया, बोलो क्या हुआ? चेंज हुआ जून, उसको तो मैं कल रात में उस पे गुस्सा हुई तो उसे बुरा लगा और वो चला गया। उसने एक मैसेज भी नहीं किया तब से। मैंने पहले कहा था वो अच्छा है, समझदार है, लेकिन मैं गलत थी। उसने जो भी किया सच में गलत है, ब्रेकअप कर दो। क्या एकदम से ब्रेकअप कर लूं? हाँ? नहीं होना चाहिए, इसलिए समझाओ ना। उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को अपसेट कर दिया, और क्या कहती मैं। चलो जल्दी से ब्रेकअप करो। वो इतना भी बुरा नहीं है, कल रात मैंने भी थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट किया, पर ऐसा बिना बताए पूरा दिन तो नहीं जाना चाहिए ना, बेवकूफ इंसान। ए तुम्हें पता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, उसे कांटेक्ट करने के बजाय तुम उसकी बुराइयां कर रही हो। जब भी एक कपल के बीच में झगड़ा होता है, गलती हमेशा लड़के की होती है। ये कहाँ का लॉजिक है कामू, लड़का और लड़की दोनों भी इंसान है और दोनों के पास इमोशंस होते हैं। गलत हो तो एक्सेप्ट कर लो, और इस बारे में मिस काओ काफी समझदार है। और तुम्हारा क्या? अगर तुम्हारा शिंजी के साथ झगड़ा हुआ तो तुम पहले माफी मांगोगी? मैं और शिंजी जैसे तुम दोनों हो उस तरह के रिलेशनशिप में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और तुम्हें लड़का भी है, तो फिर। और ये बात तुम्हें किसने कही कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? कामू तुमने काफी पी ली है, कुछ भी बोल रही हो अभी। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो वो तुम्हारे लिए वैकेशन क्यों प्लान करेगा? वो सब उसने शैनचैन के लिए किया, मेरे लिए नहीं। नॉनसेंस, तुम सच में कुछ भी देख नहीं सकती। ऐसा करोगे तो सच्चे प्यार को खो दोगी। हुआ
क्या कर रही हो? मैं डर गई हूँ ना, क्या मैं तुम्हें ऐसे नहीं पकड़ सकती, इतने भी पागल मत बनो। भूत वो जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। इस यूनिवर्स में जो एनर्जी है लोग उसी को भूत मान लेते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में जो भूत है वो बहुत बकवास है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। इसमें लॉजिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। देखो डिस्क्रिप्शन से पता चलता है ये कोई नॉर्दर्न टाउन है, लेकिन वो पौधे देखो वो साउथ में उगते हैं। बात तो सही है। तुम्हें तो सब कुछ बताया है ना, क्या परेशानी है, कहां कहां से आते, पागल है। तुम्हें पता है क्या हुआ, मैंने डरने का नाटक किया और उसे पकड़ लिया। उसने क्या कहा पता है, हॉरर मूवी में कोई लॉजिक नहीं होता है। वो इतना क्यूट क्यों है, अब तो मैं उसे और भी पसंद करने लगी हूँ। और उसने कहा कि उसे हॉरर मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मानती हूँ, वैसे तो मेरा पसंदीदा टीवी जॉनर आइडल ड्रामास है और फेवरेट मूवी जॉनर हॉरर है। मैं तो बस तुम्हें चीयर अप करना चाहती थी, इसलिए हम लोग हॉरर मूवी देखने आए थे। हम जैसे लोगों को चीयर करने के लिए हम कॉमेडी मूवीज भी देख सकते हैं ना। ठीक है, मैं मान लेती हूँ। मैं तो बस नस्तिकिया बढ़ाना चाहती थी ताकि तुम्हारी फीलिंग्स डेवलप हो। मुझे क्या पता था तुम इसमें नहीं फंसोगे। मुझे पता है तुम्हें जो पसंद है उसकी वजह से तुम ज्यादा दुखी हो, और ये भी पता है तुम उसे भूल नहीं सकते। पर ठीक है, तुम कभी ना कभी उसे भूल ही जाओगे और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे छोड़ूंगा? मुझे भी पता नहीं कि आगे क्या होगा। मुझे पता है टीवी ड्रामास में हमेशा दूसरा इंसान अकेला रहता है, और मुझे यकीन है कि ये असली जिंदगी में भी होता है। सेकंड मिलिंग, ये क्या होता है? क्या तुम टीवी ड्रामास नहीं देखते? इस तरह की आदमियों की फीलिंग्स नहीं बदलती, और यही स्टैंडर्ड सेकंड मेल के लिए सेट किया होता है। और वैसे भी ये लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि इनका पैर दो तरफा नहीं होता है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम उसकी नजरों में सेकंड मेल लीड हो, पर मेरी नजरों में तो तुम एक ही हो। और मुझे यकीन है कि हम लोग हैप्पी एंडिंग करेंगे। मुझे भूख लगी है, क्यों ना मैं तुम्हें ट्रीट दूं? हाँ? तुम्हें शुक्रिया कहने का ये मेरा तरीका है। बढ़िया, वो मुझे ट्रीट दे रहा है। ये छोटा कदम जरूर होगा लेकिन हमारे रिलेशन के लिए बहुत बड़ा है। रुको, आ रही हूँ। मैंने तो बस एक बोतल पी ली थी, इतनी चक्कर क्यों आ रही है? तुमने रिलेशनशिप क्यों स्टार्ट की, कितनी तकलीफ होती है। मैं ही सही कह रही थी, लड़कियों ने भी माफी मांग लेनी चाहिए अगर वो गलत है। मैं डरती नहीं हूं। हेलो संजय जून। तुमने मुझे पूरा दिन फोन नहीं किया। क्यों नहीं किया? तुम्हें ऐसा करने का हक किसने दिया? नहीं मो, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम मुझे प्यार करते हो, किसने कहा था ये? हाँ, तुमने कहा था ना तुम मुझसे प्यार करते हो, और अब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और पूरा दिन इग्नोर किया। सारे लड़के झूठ बोलते हैं। तुम मुझे छोड़ के चले गए ना? मैं तो गलती से तुम पे गुस्सा हुई थी। ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ। मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे इग्नोर किया तो मैं भी करूँगी। मैंने इग्नोर नहीं किया। अब से मैं तुम्हें इग्नोर करूँगी। सुन लिया तुमने शेंजी अर्जुन, गुड बाय। पर वो
पागल है। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, हम धरती को तीसरी बार बचाने वाले हैं। शैनचान सोया नहीं? सुपरमैन आ गया है, तुम नकली थॉर अभी के अभी सरेंडर कर दो। मैं तो सच्चा थॉर हूँ, तुम झूठे सुपरमैन हो। नहीं मैं असली थॉर हूँ। शील्ड लेने से कोई मदद नहीं मिलेगी, तुम भाग नहीं सकते हो। ये चखो बिजली को, ये मुझ पे नहीं काम करेगा। शैनचान हाँ, देर हो गई है, सोने चलते हैं। सुपरमैन का मिशन बाकी है, उसके बिना मैं नहीं सोऊंगा। ओह सुपरमैन, और क्या मिशन कंप्लीट करना है? आयरन मैन अभी भी ताकतवर दुश्मनों से लड़ रहा है, तो वो हमें कंप्लीट करना है। सही कहा, आयरन मैन अभी तक लड़ रहा है, तुम्हारे साथ आने से पहले मुझे उसके लिए रुकना ही होगा। हाँ तुम्हारे साथ वापस जाने से पहले। हाँ शैनचान, पर अभी बहुत देर हो गई है और कल वैसे भी मेरी मीटिंग है, मैं बहुत थक गई हूँ, चलकर सोते हैं। अब क्या कहोगे? क्यों ना तुम शैनचान को आज रात यहीं छोड़ दो, वैसे भी ये रूम उसी के लिए बुक किया गया था। तुम्हारा वैसे भी कल स्पीच है, तुम्हें रेस्ट की जरूरत होगी। ठीक है, मैं कल का प्रिपरेशन आज के लिए यहीं पर कर लेती हूँ। शैनचान तुम्हें सिर्फ आधा घंटा मिलता है। चलो, चलो, चलो। शिंची चलो खेलती है। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, ये तो हो गया है। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ, यहाँ पे चोट तो नहीं आई ना? भागो मत। वो या ओके ओके ओके, मैं हार मानता हूँ। चलो कार के साथ खेलते हैं। सो गई थी, आराम से सुलाने के लिए यहाँ पर लाया। कल सुबह तुम्हारा लेक्चर है ना? आज मैं थोड़ा ज्यादा थक गई थी, शायद मैंने थोड़ी पी भी ली थी, कैसे सो गई मैं। मैं शैनचान को लेके नहीं, रुको, आज रात तुम यहाँ क्यों नहीं सो जाती? अरे नहीं, हम अपने कमरे में वापस जा। नहीं कोई बात नहीं, उसे उठाना मत, मैं दूसरा रूम ले लूंगा। अरे पर मैं निकलता हूँ, तुम सो जाओ आराम से, जाओ सो जाओ। हाँ you
चलो उठ जाओ, आ जाओ, ब्रेकफास्ट लाया मैंने। तुम मुझे उठाओ ना, उठाओ ना। ब्रेकफास्ट का वक्त हो गया। देखो पसंद है तुम्हें? कितना कुछ लाए हो। पता है तुम्हें हम यहाँ लगभग 3 महीनों से रह रहे हैं। तुम मेरे साथ यूनाइटेड स्टेट्स कब चलोगी? मैं जानता हूँ तुम ये शहर कभी छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ये कैसा होगा, जब भी छुट्टियाँ होगी हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है? ये लो खाओ। क्या तुम थोड़ा दूध ला सकते हो? मैंने तो पहले से ही गर्म कर रखा है। खाओ अब, ब्रेकफास्ट के बाद मैं छोड़ दूंगा, मैं दूध लाता हूँ।